हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे बेबी डोज कॉइन से जुड़ी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स की, उसी के साथ इसके प्राइस प्रिडिक्शन की और क्या बाइनेंस के द्वारा बेबी डोज कॉइन को लिस्ट किया जा सकता है आने वाले कुछ टाइम में, कितने क्या यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं और बाइनेंस की तरफ से क्या कुछ अपडेट्स यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर बेबी डोज कॉइन के करेंट प्राइस की, अभी बेबी डोज ट्रेड कर रहा है INR में 0.000001 की रेंज में, मतलब INR में 60 इसके प्राइस में देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट यहाँ पर 0.8% बड़ा हुआ है। कॉइन जेको पर अगर हम रैंक देखें 164 है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इसके प्राइस की बात करें, जो लास्ट 7 डेज का चार्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 0.000014 की रेंज से गिरते हुए ऑलमोस्ट यहाँ पर ये 10 के लेवल पर आ चुका है। 10 का लेवल अगर हम देखें लास्ट 14 डेज के चार्ट में, आप देख सकते हैं यही इसी लेवल पर ये था और यहीं से इसने एक अच्छा खासा बाउंस बैक किया था, ऑलमोस्ट यहाँ पर 14 को हिट किया था। मतलब यहाँ पर प्राइस बड़ा जरूर था लेकिन यहाँ पर 1415 की अगर हम बात करें, वो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं जहां से लगातार इसे रिजेक्शन मिल रहा है। लास्ट 30 डेज का आप चार्ट देख सकते हैं, इस रेंज पर लगातार एक्यूमुलेट हो रहा था। जो 1 की रेंज थी, 10 की रेंज थी, यहां से बाउंस बैक करके 14 और फिर से उसी रेंज पर आ चुका है। तो यहां एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है जो 10 का लेवल है और वहां से उम्मीद कर सकते हैं कि यह फिर से बाउंस बैक कर सकता है। अगर हम बात करें यहां पर लास्ट 30 डेज की, ऑलमोस्ट 2.5% बड़ा हुआ है, लास्ट 7 डेज में 7.2% और 1 ईयर में अगर आप देखें ज्यादा कुछ इंपैक्ट यहां पर नहीं पड़ा हुआ है। ऑल टाइम हाई से अगर हम देखें अभी भी यहां पर ये 77% कम चल रहा है। अगर हम डॉलर वैल्यू की बात करें तो वहां पर आप देख सकते हैं 80 इसके प्राइस में देखने को मिलेंगे 14 की रेंज में, और इसके अलावा ये CMC पर है 231 रैंक कर रहा है। वॉच लिस्ट लगभग 3,65,000 से ऊपर है। इसके अलावा ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर हम बात करें वो यहां पर अभी लगभग 11% डाउन में जा रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें इनके होल्डर्स की संख्या की, वो आप देख सकते हैं होल्डर्स अभी यहाँ पर किस लेवल पर पहुंच चुके हैं, कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर लगातार होल्डर्स जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 1.6 मििलियन से ज्यादा होल्डर्स हो चुके हैं, जो एक काफी बड़ा माइलस्टोन है जो यहाँ पर बेबी डोज ने कंप्लीट किया है शिबा को पीछे करके। 16,07,507 एड्रेस यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम फॉलोअर्स की बात करें ट्विटर पर, तो वो भी यहाँ पर 1.6 मिलियन होने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार जो ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी। पर डे यहाँ पर ऑलमोस्ट 200-300 फॉलोअर्स लगातार बढ़ रहे हैं, जो पहले काफी ज्यादा स्पीड में थे लेकिन अभी थोड़े यहाँ पर कम होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कम्युनिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि काफी सारे ऐसे एक्सचेंजेस जिन पर अभी तक ही अवेलेबल नहीं हुआ है, उसके बावजूद यहाँ पर 1.6 मिलियन की कम्युनिटी एक काफी बड़ी अचीवमेंट है जो यहाँ पर बेबी डोज कॉइन ने कंप्लीट की है। इसके अलावा अगर हम बात करें मोस्ट मेंशन BNB चेन प्रोजेक्ट की, यहाँ पर ये BNB मतलब बाइनेंस की स्मार्ट चेन पर बेस्ट प्रोजेक्ट है। लास्ट 24 आवर्स में आप देख सकते हैं जो यहाँ पर टॉप प्रोजेक्ट बने हुए हैं सोशल एंगेजमेंट के बेसिस पर, उनमें नंबर 2 पर आपको बेबी डोज कॉइन देखने को मिलेगा। 4.69 मिलियन की सोशल एंगेजमेंट यहाँ पर इसकी है। इसके अलावा आप अदर कॉइन्स देख सकते हैं, ये यहाँ पर BNB मतलब बाइनेंस की स्मार्ट चेन पर बेस्ट प्रोजेक्ट जिनमें ये टॉप पर नजर आ रहा है। इसके अलावा मोस्ट बुलिश सेंटीमेंट ERC20 टोकन्स की लिस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेबी डोज कॉइन इसमें भी आपको नंबर 2 पर देखने को मिलेगा 131.9K के साथ सोशल एंगेजमेंट यहाँ पर इसकी है। इसके अलावा शिबा इसके ऊपर यहाँ पर है। मतलब यहाँ भी अगर हम टॉप प्रोजेक्ट्स की बात करें उसमें बेबी डोज कॉइन टॉप करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर सर्टिक के टॉप ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट्स की, तो सर्टिक में भी आप देख सकते हैं नंबर 1 पर बेबी डोज कॉइन बना हुआ है, यहाँ पर BNB चेन नंबर 2 पर, शिबा स्वैप नंबर 3 पर। तो कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग की अगर हम बात करें लगातार यहाँ पर ट्रेंडिंग में बना हुआ है। लास्ट 7 डेज में ERC20 प्रोजेक्ट्स ट्विटर पर सोशल एंगेजमेंट के हिसाब से, जो लूनार क्रश की लिस्ट जारी हुई है उसमें भी नंबर 2 पर बेबी डोज कॉइन बना हुआ है। मतलब मीम कॉइन्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर शिबा हो या बेबी डोज हो, वो लगातार ट्रेंडिंग में बने रहते हैं और इसी वजह से यहाँ पर शिबा पहले से ही अवेलेबल हो चुका है बाइनेंस पर काफ़ी टाइम से, और यहाँ पर बेबी डोज कॉइन की जिस प्रकार की कम्युनिटी है इस वजह से उम्मीद की जा रही है। कॉइन जेको पर भी यहाँ आप देख सकते हैं इनके द्वारा एक यहाँ पर पोल ऑर्गेनाइज किया गया था, विच मीम कॉइन इज योर फेवरेट, और उसमें आप देख सकते हैं डॉज, शिबा, बेबी डोज, अदर और बेबी डोज कॉइन को ऑलमोस्ट यहाँ पर 51% वोट मिले। मतलब काफी सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर बेबी डोज कॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर CZ Binance के द्वारा एक ट्वीट किया गया है, विच कॉइन शुड बी लिस्ट नेक्स्ट, हमें यहाँ पर कौन से कॉइन को लिस्ट करना चाहिए नेक्स्ट, और यहाँ पर इन्होंने काफी सारे क्राइटेरियाज है एप्लीकेशन फॉर्म है जो यहाँ पर शेयर किया है कि किस प्रकार से Binance किसी भी कॉइन को लिस्ट करता है। तो यहाँ पर अगर आप इनकी टिप्स को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि वो किस प्रकार से किसी कॉइन को लिस्ट करते हैं। टिप नंबर 5 में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ यू इश्यूड योर टोकन ऑन BSC
एंड योर टोकन रैंक हाई अमंग ऑल बीएससी प्रोजेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एक्टिव एड्रेसेस एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम, दिस जनरली शोज अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रोविंग एंड एक्टिव यूजर बेस। यहाँ पर क्लियरली इन्होंने इंडिकेशन दिया हुआ है किस प्रकार से वो किसी भी कॉइन को लिस्ट करते हैं। आपके प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को आपको लगातार अपडेट करना पड़ेगा, कम्युनिटी को यहाँ पर लगातार रेगुलर बेसिस पर उनसे जुड़े रहना पड़ेगा वीकली मंथली, जैसा आप लगातार देख रहे हैं बेबी डॉज कॉइन की जो टीम है वो कम्युनिटी से जुड़ी हुई है। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपका टोकन बीएससी मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन पर बेस्ड है और लगातार वो यहाँ पर बीएससी प्रोजेक्ट में हाई रैंक पर आ रहा है, जिस प्रकार से बेबी डॉज कॉइन लगातार यहाँ पर टॉप पर बना हुआ है नंबर ऑफ एक्टिव एड्रेसेस के बेसिस पर भी और उसी के साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम के बेसिस पर भी, तो यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं काफी अच्छा है और यहाँ पर जो गुड अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पर बनी हुई है, इस वजह से यहाँ पर जो आपका यूजर बेस है वो लगातार ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है अगर आपके प्रोजेक्ट में ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बाइनेंस के द्वारा उसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, उसे यहाँ पर लिस्ट भी किया जा सकता है आने वाले टाइम। तो काफी सारी टिप्स है जो यहाँ पर बाइनेंस के द्वारा शेयर की गई है कि किस प्रकार से वो किसी भी प्रोजेक्ट को पास करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो टिप्स हैं उनको बेबी डॉज कॉइन फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है कि बाइनेंस के द्वारा बेबी डॉज कॉइन को लिस्ट किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी बीएससी के द्वारा मतलब यहाँ पर बाइनेंस प्लेटफॉर्म था उसके द्वारा यहाँ इसे मेंशन किया गया था और अभी भी अगर आप देखें लगातार मेंशन किया जा रहा है, टॉप पर बना हुआ है इस वजह से और कम्युनिटी काफी ज्यादा बड़ी है, काफी सारे एक्सचेंजेस हैं जिन पर ये अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। तो यहां पर आने वाले टाइम में जिस प्रकार से शिबा को लिस्ट किया गया है, बेबी डॉज कॉइन भी लिस्ट हो सकता है बाइनेंस पर, काफी सारे चांसेस है, लेकिन फिर भी एक मीम कॉइन है और अभी के समय में काफी कम एक्सचेंजेस पर अवेलेबल है। तो कुछ क्वांटिटी में आप डीसी के थ्रू इसे बाय कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको पूरा पैसा यहां पर लगा देना है, कुछ क्वांटिटी में बाय करना है। जिस प्रकार से कुछ टाइम पहले जो मीम कॉइन है उसमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली, चाहे वो शिबा हो डॉज हो, उसमें एक बड़ा पंप देखने को मिला, यहां पर हम ब्रेकआउट की उम्मीद बेबी डॉज कॉइन के साथ भी कर सकते हैं। और कोई भी अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, वहां पर भी आपको क्रिप्टो से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी। अब हम आपको मिलते किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू।